देखते हैं पीने वालों का क्या है, पीते पीते एक वक्त में ऐसे आ जाते हैं कि अब वो पीने के लायक नहीं रहते, बीमारी उनको घेर लेती है, वो परेशान हो जाते हैं। पीकर आने के बाद दिमाग सही नहीं है, दूसरे के घर में घुस गए, अपने माँ बाप को पीटते हैं। कभी ऐसा भी होता है कितने लोग बीवी को कत्ल कर देते हैं और पीने के बाद देखते हैं कितना नुकसान है, ड्राइविंग करते हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। पीने के बाद देखिए तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जगहों पर बैन है, वहां कुछ फायदा है। तमाम लोगों को चाहिए कि बैन लगा दे और जहां ये तैयार हो रहा है वहीं बैन लगाया जाए। अगर ऐसा होगा तो बड़ा फायदा रहेगा, समाज के अंदर शांति बनी रहेगी, सुकून बना रहेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो खुद भी आदमी परेशान होता है और दूसरे को भी परेशान करता है। तो लानत और फिटकार शराब के सिलसिले में 10 लोगों पर 10 चीज पर, ये तो ऐसी बात है, इस सिलसिले में आदमी को गंभीरता से लेना चाहिए कि वाकई ये गुनाह कितना बड़ा गुनाह है और इसकी सजा कितनी बड़ी सजा है। और लानत और फिटकार जिस चीज में हो उस चीज में कैसे भलाई हो सकती है, वो चीज हमारे जिस्म में कैसे फायदेमंद हो सकती है, वो चीज हमारे कैसे काम आ सकती है, कैसे हम और आप उसको पीने के बाद आगे बढ़ सकते हैं, उसके कारोबार से हम बना तो सकते हैं लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा पूरा कारोबार ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो नुकसान ही नुकसान है। इसलिए उस नुकसान से बचने के लिए हमें और आपको शरीयत के तरीके को इख्तियार करना है। शैतान तो यही चाहता है कि नुकसान में डाल दे, दुनिया में हमको घाटे में ले आए और आखिरत में भी हमारा घाटा हो जाए। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।